बुलडोजर चलाने का, जिस समय बुलडोजर चलना था सड़क पर, आप बुलडोजर नहीं चला रहे थे, क्या कर रहे थे ये पता ही नहीं है, क्या कर रहे थे पता ही नहीं है। और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता, और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता, तो आगरा लखनऊ से बेहतरीन सड़क होती हमारे पूर्वांचल के लोगों की, लेकिन आपने बुलडोजर नहीं चलाया। ये हमारे कमाल के मुख्यमंत्री जी हैं, जहां जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। हमारे मुख्यमंत्री कमाल के हैं, जो काम जहां करना चाहिए वो नहीं करते, जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं। आज हमारे नौजवानों का भविष्य बनाने का समय है, इन नौजवानों के सपने पूरे होने का समय है, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री नौकरी रोजगार की तरफ नहीं देख रहे हैं। टैबलेट देंगे, हम पूछना चाह रहे हैं साढ़े चार साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप, कौन सी टैबलेट पड़ रही थी। इसलिए जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं। आज मोबाइल से दुनिया की जानकारी हासिल की जा सकती है, आज मोबाइल से हम दुनिया के बारे में जान सकते हैं, पूरी दुनिया सुपुर्द करके मोबाइल पे आ गई है। हमारे नौजवान जानते हैं, जो थोड़ा बहुत संपन्न है वो मोबाइल से ही कारोबार कर लेते हैं, कुछ सामान मंगा लेते हैं। अगर कस्बे बड़े कस्बे हैं, वहां पर मोबाइल से फोन करना नहीं है, केवल संदेश भेजना है, लैपटॉप लेकर के आओ। और हम तो समाजवादी लोग हैं, लैपटॉप भी चला लेंगे और समय पड़ेगा तो बुलडोजर भी चला लेंगे। इसलिए नौजवान साथियों, आपके भविष्य का चुनाव है, आपका भविष्य कैसे बेहतर बने। नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हम जाते हैं दिल्ली में, बड़े बड़े विज्ञापन लगे, नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया। दिल्ली के लोग समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल गई है, रोजगार मिल गया है। बताओ नौजवान साथी, हम कर भाई हो, आपकी बिजली नहीं कर दी, बिजली का बिल आ रहा है, करेंट लगता है, कौन जिम्मेदार है। भाई हो, आपकी बिजली नहीं कर दी, बिजली का बिल आ रहा है, करेंट लगता है, कौन जिम्मेदार है। ब्रिटेन में एक फैसला हुआ, एक कानून बना, और वो कंपनी जो कारोबार कर रही थी वो सरकार बन गई। बताओ साथी, इतिहास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और मैं कहता हूं, ये पलट करके पढ़ करके देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी एक भारत में, और ब्रिटेन में एक कानून पास हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। और आज जिस जो फैसले ले रही है, एक एक कर करके ये उद्योगपतियों के हाथ में खेल रहे हैं। याद कीजिए वो नोटबंदी का समय, जिस समय नोटबंदी लागू हुई थी, यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि नोटबंदी के बाद ना काला धन बचेगा ना भ्रष्टाचार होगा। लेकिन जब से 112 हुआ, पुलिस को पता नहीं क्या हो गया है, और इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा, इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार का हो रहा है। जो कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, वो बताएं कि 100 नंबर को 112 कर करके खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज सबसे ज्यादा ये कानून व्यवस्था है क्या कि बताओ गृह राज्य मंत्री की बेटे ने किसानों पर गाड़ी चला दी हो, ये कानून व्यवस्था है क्या। और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, पता लगा है कि फतेहगढ़ जेल में कैदियों को नहीं पता था किसको ठोकना है, तो जेलर को ठोक दिया हुआ। ये कानून व्यवस्था है। सबसे ज्यादा किसानों की जान चली गई, कोई मदद करने वाला नहीं है।
मजदूर पैदल चलते चलते घर पहुंच गए, जान चली गई, किसी की मदद नहीं की। इसलिए उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना है इसे। उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर दुबारा लाने का काम हम लोगों को करना है। बताओ अम्बेडकर के दौलत के लोगों, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते में ले चलोगे या नहीं ले चलोगे? अगर ये आक्रोश है ऐसे आपके अंदर, हस्ती के बड़े नेता भी आपके साथ हैं, तो बताओ कौन कहता है कि समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बनाने जा रही है? जनता चाहती है बदलाव। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।